व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम लोग वीडियो ट्रांजिशन को लेकर बात करेंगे इनसाइड प्रीमियर प्रो। तो ट्रांजिशन क्या है? जब हम लोग एक से ज़्यादा फुटेज को लेकर काम करते हैं तो एक फुटेज का एंड और नेक्स्ट फुटेज का स्टार्ट में जो एनिमेशन रहता है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। प्रीमियर के अंदर आपको बहुत सारा प्रीसेट मिल जाएगा और आप परचेस भी कर सकते हैं बाहर से। तो आज हम लोग इसी को लेकर बात करेंगे और इस वीडियो के अंदर देखेंगे ट्रांजिशन कैसे अप्लाई किया जाता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, तो पहले तो यहाँ पे बहुत सारा मैं फुटेज ऑलरेडी लेके रखा हूँ, एक फुटेज के बाद और एक फुटेज, एक अलग अलग डिफाइंड फुटेज है। तो फिर मैं जो पहला फुटेज है इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे जो गैप है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गैप है, इसको डिलीट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रिपीट ले ली तो ये गैप क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद एक फुटेज के बाद एक फुटेज अचानक आ रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा इफेक्ट और जो ट्रांजिशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए इफेक्ट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट टैब, एरा इफेक्ट टैब, और इसके अंदर वीडियो ट्रांजिशन, यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रांजिशन मिल जाएगा। जो नीचे में जूम ट्रांजिशन है इसको पहले यूज़ करेंगे। फिर जो क्रॉस जूम है इसको ड्रैग करके, सिंपली सिलेक्ट करके ड्रैग करके दोनों फुटेज के बीच में छोड़ देंगे, तो आपको ऐसा टाइप का एक ट्रांजिशन मिल जाएगा, जूम ट्रांजिशन जो यूज़ होता है। ओके, नाउ अगर आप इस ट्रांजिशन को थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे इस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो ड्यूरेशन इसको आप टाइम इसको लेंथी भी कर सकते हैं और कम, मतलब थोड़ा जल्दी हो ऐसा भी रख सकते हैं। तो मैं ऐसा टाइप का रख के इसको छोड़ देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्ले करके उसको। ओके ठीक है, नाउ अभी ये जो लास्ट वाला फुटेज है यहाँ पे और एक ट्रांजिशन अप्लाई करूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले ये जो वीडियो है इसको यहाँ पे काट करेंगे, तो उसके लिए रेजर टूल ले रहा और यहाँ पे काट करके मूव टूल से W या फिर W मूव टूल से इसको ऊपर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो रिपिल है इसको डिलीट करेंगे, रिपिल डिलीट। ओके ठीक है, नाउ अभी वीडियो इफेक्ट के अंदर यहाँ पे वीडियो इफेक्ट और एरा, और यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन आता है, चार पांच यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन है। और यहाँ पे ट्रांजिशन ये जो ग्रेडियंट वाइफ है इसके ऊपर एरा, इसको ड्रैग करके ये जो ऊपर का फुटेज है उस पर ड्रॉप करेंगे। और ये जो सेटिंग है इसको, ये जो अमाउंट है इसको अगर बढ़ाने से तो आपको एक ऐसा टाइप का लुक आ जाता है, ऐसा टाइप का सॉरी ट्रांजिशन आ जाता है। तो इसको एनिमेशन करेंगे अभी हम लोग। तो उसके लिए इसको पहला फ्रेम में ला के, मतलब स्टार्ट में ला के यहाँ पे ये जो वॉच है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक भी की फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद लास्ट फ्रेम में जाके यहाँ पे इसको पूरा 100 कर देंगे, तो अभी आपको ऐसा टाइप का एक ट्रांजिशन आ जाएगा। ओके, अभी ये जो एज है ये बहुत ही हार्ड है, अब इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो फिर ये जो अमाउंट है इसको बड़ा कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे 5 करके रख देता हूँ। ओके, अभी नाउ मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके नाउ अभी इसको अंजुम करेंगे और ये जो लास्ट फुटेज है यहाँ पे, ये दोनों फुटेज यहाँ पे सेम ट्रांजिशन यूज़ करेंगे लेकिन इसको अपोजिट वैसे, मतलब पहले 100 रहेगा उसके बाद इसको 0 रखेंगे। तो उसके लिए सेम वैसे ये जो लास्ट फुटेज है इसको अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे रेजर टूल से इसको कट करेंगे और देन इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे एरा सेम, ठीक है, और यहाँ पे आके राइट क्लिक रिपील डिलीट। ओके नो, अभी सेम इफेक्ट को ग्रेडियंट वाइप एरा यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर, ठीक है आ गया। और यहाँ पे अभी पहले फ्रेम में स्टार्ट में इसको 100 रखेंगे ट्रांजिशन कॉम्प्लीशन को, इसको यहाँ पे 100। ओके, और की फ्रेम डालेंगे एक और उसके बाद यहाँ पे लास्ट फ्रेम में जाके यहाँ पे इसको पूरा 0 कर देंगे। ओके, तो अभी कैसे टाइप का ट्रांजिशन, ऐसा टाइप का कुछ आपको ट्रांजिशन मिलेगा। और इसके बाद ये जो फेदर है सॉफ्टनेस है इसको 4, ठीक है। ओके, दैट्स इट, दैट्स बेटर। ओके नाउ अभी यहाँ पे ठीक लग रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग और कुछ अभी अलग ट्रांजिशन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट दिया हुआ है वही ट्रांजिशन मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वीडियो ट्रांजिशन के अंदर डिजोल्व में है बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारे डिजोल्व ट्रांजिशन है, ये बहुत अच्छा है, ये फिल्म में भी यूज़ होता है, फिल्म ट्रांजिशन डिजोल्व ये सब। और यहाँ पे आप इसको अप्लाई करके देखता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा ग्लोइश ग्लो टाइप का फील आएगा। इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं कैसा टाइप का है, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। ओके ना, अभी इसको मैं यहाँ पे जो लास्ट वाला फास्ट है जो क्रॉस ट्रांजिशन यूज़ किए थे इसको अभी डिलीट कर देंगे और इसके ऊपर अभी एरेक्टिव डिजोल्व इसको यूज़ करके देखेंगे। ये सेम तरीके से ड्रैग करके दोनों फुटेज के अंदर मिडिल में ड्रॉप करेंगे तो आपको एक ऐसा टाइप का ग्लोई टाइप का डिजोल्व आएगा और फेड इन फेड आउट होगा। ओके, उसके बाद फिल्म डिजोल्व इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेम वैसे ड्रॉप करेंगे
और इस टाइम सिर्फ फेड इन और फेड आउट होगा। ओके नाउ इसके बाद आपको आता है स्लाइड पेज रील, सॉरी पेज रील। इसको आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। ये अगर आप इमेज एनिमेशन या फिर इमेज स्लाइड करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन है तो ही यूज़ कीजिए, वीडियो में मत यूज़ किए तो ही अच्छा है। ओके मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट एंड प्रेस डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके उसके बाद पेज टर्न वही उसका रिपीट मतलब डुप्लीकेट है। ओके उसके बाद यहाँ पे आता है पुश। पुश एक्चुअली ये क्या करता है, एक वीडियो को पुश करेगा, एक वीडियो के बाद एक वीडियो एंड होगा उसके बाद एक वीडियो स्टार्ट होगा, ऐसे टाइप का। और ब्लेंड साइड ये चारों तरफ से आएगा कुछ ऐसा टाइप का इमेज, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं कैसा टाइप का आपको भी एनिमेशन चाहिए या फिर ट्रांजिशन चाहिए। ओके नाउ अभी यहाँ पे चेकर बोर्ड है, चेकर वाइफ, इसको आप यूज़ करके देख सकते हैं। ये चेकर बोर्ड की तरफ आता है कुछ ऐसा टाइप का, ये ट्रांजिशन भी अच्छा है, आपको इस यूज़ करके देख सकते हैं। ओके यहाँ पे मैं आपके इस क्लोज कर देता हूँ। और ये जो डिजोल्व है यहाँ पे, और आइरिस, यहाँ पे आइरिस है, यहाँ पे आइरिस भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। क्रॉस डायमंड, आइरिस डायमंड एक्चुअली डायमंड शेप टाइप का आएगा। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते तो फिर क्लिक करके यहाँ पे आके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है उसको मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो ये ऑपोजिट वैसे आएगा, ऐसे टाइप का। तो आप यहाँ पे बॉर्डर देख सकते हैं, इसको आप बड़ा करेंगे तो ये बॉर्डर ब्लैक एक बॉर्डर आएगा उसके ऊपर, यहाँ इरा आ गया। ओके और उतना कुछ है नहीं, इसको आप यूज़ करके वीडियो में देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको। यहाँ पे ये जो डिजोल्व है इसको आप यूज़ के ही मतलब बेटर है, देखने में अच्छा लगता है। और वो थोड़ा ऑड टाइप का है, अगर इमेज में यूज़ करेंगे तो ही ठीक है। और यहाँ पे आके मैं जो लास्ट वाला, लास्ट में जो जूम था इसको यूज़ करूँगा, क्रॉस जूम, यहाँ पे अच्छा आएगा जैसा टाइप का ना, दैट्स बेटर। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई यूज़ के आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला। इफ़ यू डिड देन हिट द लाइक बटन एंड गिव मी सम लव, एंड आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसा टाइप का वीडियो अपलोड करते रहूँगा आप लोगों के लिए। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।